हेलो एवरीवन, चित्रास किचन में आप सबका स्वागत है। और आज मैं रसमलाई की रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं इस रसमलाई की रेसिपी। तो रसमलाई के लिए मैंने पहले 1 लीटर दूध का छेना बनाऊंगी, जो मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच विनीगर में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे देकर इसके छेना बना लिया, देखिए इस तरह। और अब मैं इसके पानी को ड्रेन आउट कर लूँगी। अब छेना को मैं अच्छे से धो लिया, क्योंकि इसका खट्टापन निकल जाना चाहिए। और तो 10 से 15 मिनट इसको रख देंगे। और देखिए 15 मिनट बाद इसका जो पानी था सारे निकल गए। और अब मैं इसे मसल के डो तैयार करूँगी। इसे हमें 10 से 15 मिनट मसलना है बहुत बढ़िया से। और इसमें मैं 1 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैदा डालने से इसका टूटने का चांसेस कम रहता है। और आप चाहे तो मैदा को स्किप भी कर सकते हो। अब मैं छोटे छोटे बॉल बना रही हूँ और इसका इस तरह से थोड़ा सा चपटा शेप दे रही हूँ। गोल शेप में भी आप कर सकते हो, जैसे रसगुल्ला बनता है। मुझे ये वाला शेप रसमलाई में बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे एक पतीले में मैंने 1 कप से थोड़ा कम चीनी लिया और इसमें 3 कप भर के पानी डाला। अब इसे हमें हाई फ्लेम में उबालना है ताकि इसका चीनी पिघल जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रखा था और देखिए ये अभी उबलने लगे और चीनी भी पिघल गए। अब मैं एक एक करके इस रसगुल्ले को इसमें डालूँगी और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। 20 मिनट तक हमें इसे उबालना है और बीच में एक बार मैं इसके ढक्कन को खोल के थोड़ा सा हिला दिया था। अब देखिए 20 मिनट हो गए हैं और हमारे जो रसगुल्ले हैं वो भी रेडी हो गया है। अब रसगुल्ले को हम साइड पर रख देंगे। और इस पैन में मैंने मलाई बनाने के लिए 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध डाला और इसमें थोड़ा सा सैफ्रन के धागे डाल दिए ताकि इसका कलर बहुत सुंदर दिखने को आए। और इसे हमें लो फ्लेम में मलाई को बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालने से बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इसका कलर कितना सुंदर हो गया है। और मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाला है। आप चाहे तो मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी हमारे रसगुल्ले को। और रसगुल्ले डालने के बाद हमें इसे एक बारी उबालना है अच्छे से और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। रसमलाई ठंडा हो गया। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल रही हूँ और देखिए मज़ेदार रसमलाई रेडी हो गया है। अब मैं खुद टेस्ट करके देखती हूँ। और ये जो रसमलाई ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी घर में बना के देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।